सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा चैनल ट्रू टेक अनबॉक्सिंग पे। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ HP का रिसेंट लॉन्च लैपटॉप FQ5111TU, जो कि आता है इंटेल का कोर i5 12th जनरेशन के साथ। सो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, साथ ही इसका क्या फीचर्स इसमें मिलता है एंड आप इसे कितना में परचेज कर सकते हो। सो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं एंड डिटेल में आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पे डब्बा मेरे पास आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो चलिए डब्बा के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, साथ ही मॉडल मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे आप मॉडल देख सकते हो 15S FQ5111TU। साथ ही यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी मेंशन है, सो वीडियो को पॉज करके वहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। साथ ही MS Office है, इंटेल इनसाइट का प्रोसेसर है, मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है मई 2022 का मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और डब्बे पे जो MRP है वो अप्रॉक्स 70,000 का है, बट आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कितना में परचेज कर सकते हो। एंड साथ ही डब्बा अनबॉक्स होने के बाद जो यहाँ पे आपको मिलते हैं डब्बे के अंदर, सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल, साथ ही यहाँ पे आपको 65W का एक चार्जर मिलता है जो कि स्मॉल पिन के साथ आता है। अगर मैं बात करूं चार्जिंग टाइम का तो अप्रॉक्स 1.5 घंटा लगता है लैपटॉप को चार्ज होने में, और बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 5 घंटा के लमसम यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप मिलता है। सो डब्बे के अंदर एक चार्जर, साथ ही एक पावर केबल, एक यूज़र मैनुअल और एक लैपटॉप यहाँ पे आपको मिलता है। सो इतना सारा चीज़ डब्बे के अंदर है। सो चलिए इसको हटाते हैं एंड लैपटॉप अनबॉक्स कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप लैपटॉप देख सकते हो, लैपटॉप बहुत ही अच्छा है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठाक से यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी भी मिलता है एंड साथ ही जो है यहाँ पे ऊपर में आपको HP का एक लोगो मिल जाता है। कलर जो है इसमें नेचुरल सिल्वर कलर है और ये जो मटेरियल बना हुआ है ये आपका हार्ड फाइबर से ही बना हुआ है, यहाँ पे आपको मेटल नहीं मिलता है। एंड थिकनेस वगैरह आप देख सकते हो। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट, साथ में 2 USB पोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है एंड आगे साइड में जो है यहाँ पे एक आपको कटआउट मिल जाता है लैपटॉप को शटर ओपन करने के लिए। एंड साथ ही इसका अपोजिट साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपका एक SD कार्ड लगाने के लिए, साथ में ऑडियो और माइक जैक यहाँ पे मिलता है, एक HDMI पोर्ट और साथ में एक C टाइप मिलता है। सो इतना सारा पोर्ट इसमें आपको मिलता है। बाकी लुक वगैरह जो है सब सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको लुक में चेंजेस नहीं मिलता है। अगर बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है आपको विंडो 11 के स्क्रीन मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे आपको एक इनलेट दिया गया है एंड 2 रबर ग्रिपिंग मिल जाता है जिससे आपका लैपटॉप का थोड़ा सा हाइट हो जाता है और एयर फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर मैं वेट की बात करें तो अप्रॉक्स 1.7 kg का इसमें आपको वेट मिल जाता है। सो ज़्यादा वेट नहीं है, आराम से ईजी टू कैरी इसे आप कैरी कर सकते हो। सो चलिए इसको यहाँ पे अगर 1-handed की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बिल्कुल भी 1-handed नहीं है, लैपटॉप आपको दोनों हाथ से ही ओपन करना होगा। सो चलिए लैपटॉप को देख लेते हैं एंड मैं अगर बात करूँ इसका बूटिंग टाइम का तो बूटिंग टाइम जो मुझे लगता है अभी जो लैपटॉप को मैंने किया है वो अप्रॉक्स 13 सेकेंड का लमसम है बूटिंग टाइम में। बाकी जो है ओवरऑल आप यहाँ पे लुक देख सकते हो, बहुत अच्छा है। बेस बॉडी का भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा यहाँ पे आपको रखा गया है, फ्लैक्स वगैरह ना के ही बराबर बेस में भी दिखता है और यहाँ पे जो बिल्ड है वो फाइबर ही मिलता है, यानी कि पूरे लैपटॉप जो है यहाँ पे आपको फाइबर में ही दिखता है। साथ ही पाम रेस्ट पे इंटेल कोर i5 12th जनरेशन का प्रोसेसर, MS Office एंड साथ ही इंटीग्रेटेड आयरिस ग्राफिक्स भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड टच पैड की बात करें तो मल्टी गेस्चर टच पैड यहाँ पे आपको मिलता है जो कि बहुत ही स्मूथली यहाँ पे आपको काम कर रहा है और बड़ा सा टच पैड मिलता है जिससे आपका काम करने में बहुत ईजी हो जाता है। कीबोर्ड की बात करें तो 15.6 में चॉकलेट कीबोर्ड मिल जाता है विथ नंबर पैड के साथ एंड बैकलाइट का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको चॉकलेट कीबोर्ड है, बैकलाइट इसमें दिया गया है और विथ नंबर की के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ ही साइड में यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड ऊपर में जो है आपका स्पीकर यहाँ पे आपको मिल जाता है जिसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर यहाँ पे आपको मिलता है। साथ ही सेंटर में HP का लोगो मिल जाता है और नैरो बेजल डिस्प्ले है, नीचे साइड से थोड़े से आपको बेजल्स मिलते हैं, बाकी जो है बहुत कम बेजल्स साइड वगैरह में यहाँ पे आपको मिलता है। 720 का HD कैमरा है, आगे मैं आपको बताऊँगा कि इसका फ़ोटो कैसा आता है कैमरा से। एंड डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 फुल HD डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है, एंटी ग्लेयर मिलता है, 45% SRGB है एंड IPS पैनल भी यहाँ पे आपको मिलता है।
सो चलिए देख लेते हैं इसका लैपटॉप के अंदर में इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके लिए टास्क मैनेजर ओपन करते हैं एंड परफॉर्मेंस में चलते हैं और यहाँ पे जो है आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सबसे पहले जो है इंटेल का कोर i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है, 1235 यू सीरीज का प्रोसेसर है जो कि 10 कोर का प्रोसेसर है, 12 थ्रेड्स एंड 12 MB का कैश मेमोरी यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड साथ ही जो है मैं आपको बात करूँ इसका रैम का, तो इसमें आपको 8 GB का रैम है, 3200 MHz का रैम अपग्रेडेबल है, इसे आप 16 GB तक पर स्लॉट में अपग्रेड कर सकते हो। स्टोरेज में 512 GB SSD है जिसमें 477 GB यूज़ करने के लिए मिलता है और अपग्रेडेबल है, इसे आप अपग्रेड कर सकते हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो आयरिस एक्सी का ग्राफिक्स है, 8 GB का शेयरिंग मेमोरी के साथ यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिलता है। सो चलिए एक वीडियो प्ले कर लेते हैं एंड आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पे आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कलर एक्यूरेसी वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। साथ ही मैं आपको साइड एंगल से भी दिखाते हैं, सो साइड एंगल से भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस यहाँ पे आपको डिस्प्ले को मिलता है। सो डिस्प्ले वाइज आप जो है बिल्कुल भी बेस्ट यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड साथ ही जो है कैमरा का मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप फोटोज़ देख सकते हो कैमरा का, जूम करके भी आप देख सकते हो कैमरा का भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, 720 का HD कैमरा है। सो आराम से यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको कैमरे का भी मिलता है। वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5 इसमें आपको मिल जाता है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.0 यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड साथ ही बात करें इसका मंथ ऑफ इसका बात करूँ मैं अगर आपका प्राइस का कि मार्केट प्राइस क्या है, तो अप्रॉक्स इसका जो मार्केट प्राइस है वो अप्रॉक्स 56 से 57 का मार्केट प्राइस है। आने वाला टाइम में इसका प्राइस और भी ड्रॉप होगा, अभी ये रिसेंट लॉन्च है इसीलिए 56-57 का इसका प्राइस है। कार्ड वगैरह लगा के आपको डिस्काउंट मिल जाता है। सो अगर आपका बजट अप्रॉक्स 55 तक का है तो आप इसे परचेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, लुक वगैरह भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिलता है। एंड अगर मैं बात करूँ सजेशन का, तो यहाँ पे अगर आपको एक नॉर्मल सा हल्का फुल्का गेमिंग करना है, हल्का फुल्का कोडिंग वगैरह करना है या एक नॉर्मल ऑफिस काम करना है, तो आप इसे बिल्कुल परचेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।